अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़लो करम से बाख़ैर वाफ़ियत होंगे। दोस्तों, मुझसे मेरे कुछ दोस्तों ने सवाल किया था कि ये जो मैं वीडियोस बनाता हूँ वो किस तरह से बनाता हूँ, ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता हूँ तो किस तरह से करता हूँ। तो दोस्तों, इसके लिए काफ़ी सारी ऐप्स प्ले स्टोर पर अवेलेबल हैं, लेकिन मैं इसमें सिर्फ अभी फ़िलहाल उस ऐप का ज़िक्र करूँगा जो मैं करंटली यूज़ कर रहा हूँ और जिसने मुझे अच्छा रिज़ल्ट दिया है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आप सिंपली प्ले स्टोर को क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद सर्च बार पे MOBIZEN ओबिजन लिखिए और सर्च कर दीजिए। तो दोस्तों, जो सबसे पहले आपके इंटरफेस में सबसे ऊपर वाला एक ऑप्शन आपके पास शो होगा मोबिजिन स्क्रीन रिकॉर्डर के नाम से। ये आप नीचे देखेंगे तो काफ़ी सारे स्क्रीन रिकॉर्डर पड़े हुए हैं। दोस्तों, अभी मैं किसी और का आपको मशवरा नहीं दे सकता क्योंकि वो मैंने यूज़ नहीं किए। हाँ, अलबत्ता इनमें से एक मैंने यूज़ किया है, मोबिजिन स्क्रीन रिकॉर्डर की जो तीसरे नंबर पर आपको नज़र आ रहा है सैमसंग, जिसके नीचे एम के नीचे लिखा हुआ है आइकन में। तो इसने मुझे कोई अच्छा रिज़ल्ट नहीं दिया। तो आपकी अपनी चॉइस है, हर बंदे की एक अपनी वैल्यूज़ होती हैं जिसको वो यूज़ करना चाहता है। तो जो सबसे टॉप पे आ रहा है मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ, बहुत इजी है और बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है ये। इसको आप टच कीजिए। टच करने के बाद मेरे पास ऑप्शन आ रहा है ओपन का, आपके पास आएगा यहाँ पे जहाँ पे ओपन लिखा हुआ है इंस्टॉल का, उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कीजिएगा तो ये आपके पास डाउन होने के बाद इंस्टॉल हो जाएगा। तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा ओपन का, तो सिंपली आप इसको ओपन कर लीजिए। ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद जहाँ पे आपके पास ये मोबिजिन पड़ा है इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऐसा ऑप्शन शो होगा जैसा ये शो हो रहा है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जहाँ पे अभी स्टॉप का ऑप्शन शो हो रहा है यहाँ पे वीडियो का एक आइकन नज़र आएगा। जस्ट आप इसको क्लिक कीजिए और अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। और नीचे जो कैमरे का निशान आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करके अपने स्क्रीन शॉट्स भी ले सकते हैं। और ये जो फेस का बटन नज़र आ रहा है यहाँ पे आप ड्यूरिंग द वीडियो अगर आप रोकना चाह रहे हैं वीडियो को रोक सकते हैं, और वहीं से फिर दोबारा इसी जगह पे जो आइकन आएगा उसको क्लिक करके रिकंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक की थी। इजाज़त दीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।